हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मुंबई, वेलकम टू महाराष्ट्र दोस्तों। आज हम और आप भारत में सबसे लंबी समुद्री मार्ग का काम देखने वाले हैं, जिसे कि कहते हैं MTHL, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक, और इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं। महाराष्ट्र की सरकार द्वारा बनाया जा रहा है भारत का सबसे लंबा समुद्री मार्ग, जो कि तकरीबन 21.8 किलोमीटर लंबा होने वाला है। इसे अपने देश की दो बड़ी कंपनियों ने बनाया है, जो कि है टाटा और LNT, और इन दोनों कंपनियों ने मिलकर कमाल का काम किया है। जहां मुंबई से नवी मुंबई ट्रेवल करने में लगते हैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे, और पीक आवर में तो कहीं इससे भी ज्यादा, इसके बन जाने के बाद अब मुंबई से नवी मुंबई का सफर मात्र 20 मिनट में तय कर सकते हैं। बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है ये। मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने वाला ये समुद्री मार्ग ईस्ट में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा, और साथ ही साथ अंडर कंस्ट्रक्शन कोस्टल रोड जो वेस्ट में बनाया जा रहा है उसे भी कनेक्ट करेगा। ये परियोजना वाकई में इंजीनियरिंग मार्वल है दोस्तों। फ्यूल के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी कम करेगा ये भारत की पहली परियोजना है जिसपे ओपन रोड टोलिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। ये इंडिया का सबसे पहला और दुनिया का 10वां सबसे लंबा समुद्री मार्ग है। इस पे जो स्टील यूज किया गया है उसका वेट तकरीबन 747 बोइंग एयरक्राफ्ट के बराबर है। इस पे जितने स्टील बार्स का इस्तेमाल किया गया है उनकी मदद से 17 आईफिल टावर्स बनाए जा सकते हैं। इस पे जो वायर्स इस्तेमाल किए गए हैं उसकी लंबाई इतनी है कि उससे धरती के 4 चक्कर लगाए जा सकते हैं। स्टेचू ऑफ लिबर्टी पे जो कंक्रीट इस्तेमाल किया गया था उससे 6 गुना ज्यादा यहाँ पर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है इस समुद्री मार्ग को बनाने के लिए, जो है तकरीबन 9,75,000 क्यूबिक मीटर। सिक्स लेन का ये जो हाईवे बनाया जा रहा है ये एक्सेस कंट्रोल होने वाला है दोस्तों, और इस पे 2 लेन बनाए जाएंगे इमरजेंसी एग्जिट के लिए। इस ब्रिज पे लॉन्गेस्ट स्पैन बनाया गया है 180 मीटर्स का। समुद्र के नीचे तकरीबन 1,090 पिलर्स बनाए गए हैं। समुद्र के ऊपर इस हाईवे का जो निर्माण किया गया है इसका लाइफ रहने वाला है 100 ईयर्स का। 24 अप्रैल 2018 को इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, और आने वाले कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन किया जाना है, क्योंकि पूरी तरीके से ये बनकर तैयार हो चुका है। स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पर लगा दिए जा चुके हैं, लेन मार्किंग का काम भी कर दिया जा चुका है, नॉइस बैरियर भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया जा चुका है, CCTV कैमरे भी इंस्टॉल कर दिए जा चुके हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या टोल के चार्जेस इस पर रखे जाएंगे। यकीन मानिए, जब आप इस पर ड्राइव करेंगे तो आपको भारतीय होने का गर्व महसूस कराएगा ये, क्योंकि इसे बनाया है भारत की कंपनियों ने, भारत के इंजीनियर्स ने, और सबसे बेहतरीन नज़ारा तब होगा जब आप नवी मुंबई से मुंबई की तरफ जाएंगे, जहां पर आपको हाई राइज टावर्स दिखेंगे, जहां पर आपको ढेर सारे लेंस दिखेंगे, ढेर सारे आपको रैम्प्स दिखेंगे, और यकीन मानिए वो लम्हा बहुत शानदार होने वाला है। और इस कमाल के नज़ारे को हम और आप जरूर देखेंगे, लेकिन इस वक्त पे भी जब ये बनकर तैयार हो चुका है तो नज़ारा कमाल का ही है, क्योंकि यहाँ से जब आप देखते हैं तो इसका ड्रोन शॉट का नज़ारा वाकई में अद्भुत है। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन तकरीबन 70,000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगी भारत की सबसे पहली समुद्री मार्ग का। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रिलीफ होने वाला है सभी के लिए, वो लोग जो मुंबई में रहते हैं और वो लोग जो इस ड्रीम सिटी में घूमने आएंगे, इसे देखने आएंगे, क्योंकि अब गेम बदलने वाला है इस समुद्री मार्ग के जरिए, जिसे कहा जाता है
MTHL। भाई जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसके ये पीछे जो ये जो एरिया देख लो ना, ये जियो का इंडस्ट्रियल एरिया है। बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है ये प्रोजेक्ट, और वैसे भी कहा यह जा रहा है कि बहुत ही जल्द इसे स्टार्ट किया जाएगा। इसका पहला अपडेट जरूर था, लेकिन हम और आप इसके ऊपर ड्राइव जरूर करेंगे। और हाँ, मुंबई में हमारा पहली बार जरूर आए हैं, लेकिन ये आखिरी नहीं है, ये तो आरंभ है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे जल्द ही किसी और परियोजना पे जो कि मुंबई और महाराष्ट्र में बनाई जा रही है, जिसकी मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराष्ट्र में एक बार फिर से स्वागत है। जय महाराष्ट्र।